मेरे को नहीं मालूम क्या है इस बाइक के साथ, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है सामने वाली बाइक के साथ। A little longer than a few minutes later. मैं नीट पिकिंग ही कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस गाड़ी में कोई कौन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को कॉन्स बताने हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला कि यार इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, टाइम नहीं दिखाता और फ्यूल मीटर भी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं, बट गियर इंडिकेटर्स लोग इसको कंपेयर करते हैं मॉडर्न बाइक से कि यार इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, इसमें राइड सिटी मोड, राइड मोड, अर्बन मोड, ये मोड, वो मोड, उड़ने वाला मोड, चीट कोड लगाने वाला मोड, मोड चाहिए। तो भाई यार तुम अपाचे ले लो, तुम ड्यूक ले लो, तुम ये मत लो, सिंपल बोल रहा हूँ यार। अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो तुम बारिश में भी चला लोगे, तुम्हें मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो तुम अर्बन, रूरल, हवा में, पानी में, आग में, कहीं भी चला लोगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मोड की, बॉस इस चीज़ को समझो आप। हम गाड़ी को चला रहे, गाड़ी हमें नहीं चला रही है, तो मोड मेरे हिसाब से बकवास है। मुझे तो मोड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं मोड। लीडर क्लास में एक बार को समझ में आता है, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है ना कि उसको मैनेज करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है। ये जनरल यूटिलिटेरियन डेली कम्यूट और क्या क्या बोल दूँ, ये उस पर्पज से बनाई गई है भाई, फन टू राइड बाइक है। मोड लेके क्या करोगे, मोड की जो लोग मोड का ज्ञान दे रहे हैं उसको भाई घुसा ले अपने अंदर, मोड अपने पास रखो, टाइम नहीं है। अब लोग बोलते हैं इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं, अबे तुम राइडर हो भाई, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमको मालूम नहीं तुम कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हो, हैं ये बताया तुमको कि तुम कौन से गियर पे चल रहे हो, भाई तुम राइडर नहीं हो, सॉरी। तीसरा, इसमें लोग बोलते हैं कि इसमें घड़ी नहीं है, अबे भाई मेरी CBR में घड़ी, मैं मोबाइल निकाल के घड़ी देखता हूँ कि उसमें कितना टाइम हो रहा है, मैं कभी गाड़ी की घड़ी देखता नहीं। घड़ी होगी भी ना तो 2 दिन बाद वो ख़राब हो जाती है, टाइम अपडेट कराना पड़ता है, किस काम की घड़ी, किसी काम की नहीं है, शेट। ये सब नीट पिकिंग है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना बकवास है, तुम लोग भाई ड्यूक ले लो, अपाचे ले लो, तुम्हारे लिए ये नहीं है, सॉरी। तो यार जो मेरे को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा है, जो कि मेरे को लगा है बट वो है नहीं एक्चुअली, इसके टायर्स, ट्यूबलेस टायर नहीं है इसमें। यार आप 3.5 लाख रुपये दे रहे हो और इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, मेरे को मालूम है यार, ये जो बाइक का डिज़ाइन, अब 2 मिनट अर्गोनॉमिक्स देखो, इस बाइक के डिज़ाइन पे अलॉयज फिट बैठेंगे नहीं, मतलब अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, वो रॉयल इनफील्ड ने सही किया है, बट अगर आप स्पोक व्हील्स दे रहे हो तो वो जो टेक्नोलॉजी आती है ना, क्योंकि BMW भी स्पोक व्हील्स देता है बट ट्यूबलेस देता है यार, वो थोड़ा कर लेते हैं। आई नो उससे प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, इस प्राइस पॉइंट पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, बट ठीक है जो भी है, मैं तुम्हें कौन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नीट पिकिंग करनी है, क्योंकि इस बाइक में टेक्निकली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बट अब नीट पिकिंग करना है तो अच्छे से करते हैं ना। ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ये इंडिकेटर्स ट्रेडिशनल बल्ब हैं, LED नहीं है, क्योंकि अपन इसमें हज़ार्ड नहीं लगा सकते, लगा सकते बट वो उतना फ्लॉलेसली काम नहीं करेगा, इसमें हज़ार्ड लगा तो लोगे प्लग एंड प्ले, बट वो बल्ब की तरह ही चलता है यार, LED की तरह नहीं चलता है। सो, पहला जो कौन है उसका, वो इसके ट्यूबलेस टायर ना होना, जो कि अगर आप गलती से कहीं पे वो हो गया, क्या बोलते हैं, अगर गलती से कहीं पे पंचर हो गया ना बॉस, तो उस टायर को खोलने में हर किसी से तो खुलेगा नहीं, सबसे पहली बात आसपास आप ढूंढ लेना, और गलती से उन्होंने खोल लिया ना तो बस खोल के बना के लगाने में ना 2 घंटे या 1 घंटे कहीं नहीं गए, इतना टाइम लगता है। पहली बात तो हर कोई खोल ही नहीं पाएगा, सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका एक जेल आता है, आप इसी स्पोक टायर के अंदर एक लिक्विड टाइप का कुछ होता है, आप उसको डाल दो, 2 दिन सुखा लो, फिर उसके बाद ये लगाओ तो ट्यूबलेस हो जाता है। अब उसको देखेंगे यार आगे जब कभी होगा, मैं आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। दूसरा जो कौन है, मेरे को नहीं लगा है इस बाइक में, मैंने इंटरसेप्टर चलाई थी एक की, उसमें ज़रूर लगा था कि जब मैं 130-140 पे चल रहा था, 130-140 इस बाइक के लिए नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी स्पीड नहीं है, नॉर्मल आराम से चली जाती है, तो मैं 130-140 पे इंटरसेप्टर चला रहा था तो वो वॉबल कर रही थी, उसमें वॉबलिंग इशूज़ था, और लोगों ने मेरे को बहुत बताया कि वॉबलिंग इशूज़ होता है, तो मैं तुम्हें बता दूँ बॉस, इस बाइक में वॉबलिंग इशूज़ नहीं है, क्योंकि ये 2020 है, जो 2019 की जो बाइक्स थी कॉन्टिनेंटल GT, मैंने एक वो भी चलाई है, उसमें भी वॉबल इशू दिखा है मेरे को, हल्का सा फील होता, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं, बट इसमें मेरे को टेक्निकली, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मेरे को अब तक वॉबलिंग इशूज़ फेस नहीं हुई है। मेरे को नहीं मालूम क्या है इस बाइक के साथ, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है सामने वाली बाइक के साथ टायर प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, कि एयर प्रेशर सही नहीं होगा, या फिर पता नहीं यार, मेरे को नहीं मालूम, बट इस बाइक में इन जनरल वॉबलिंग इशूज़ नहीं है, बट कुछ गाड़ियों में वॉबलिंग इशूज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मॉडल पे बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है हो, मेरे को अब तक फेस नहीं हुआ है, बट रॉयल इनफील्ड की ये दोनों बाइक ट्विन्स में ना वॉबलिंग इशूज़ आते हैं,
प्रोबेबली दिस वाइजर की वजह से, यहाँ पे एक वाइजर भी होता था, मेरे एक फ्रेंड को था, उसने वाइजर निकाल दिया तो वॉबलिंग शू चला गया। हो सकता है एयर प्रेशर जब लगता हो तो वो, अब समझ जाओ यार, एरोडायनेमिक्स नाम की चीज़ होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो होता है। ट्यूबलेस टायर्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम। एलईडी इंडिकेटर्स, लाइट्स, कुछ भी एलईडी नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये जनरल हैलोजन बल्ब है। अरे यार कितने कीड़े मारे मैंने, ओमकारेश्वर की राइड का ये, तो ये भी बल्ब है, पीछे भी बल्ब है, इंडिकेटर भी बल्ब है, सारी चीज़ें बल्ब है, बल्ब भी बल्ब है, बहुत सारी बत्तियाँ जलाएंगे हम लोग, नहीं है। मेन स्टैंड तक नहीं है बॉस, गलती से पंचर हुआ ना भाई, मेरी गाड़ी में मेन स्टैंड भी नहीं, पंचर हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेन स्टैंड एज एन एक्सेसरी लेना पड़ेगा आपको, वो हम लगवा लेंगे कुछ दिनों बाद। और हमें लाइट भी चेंज करानी है, हमें लाइट एलईडी करानी है, टायर भी ट्यूबलेस कराने हैं, सारी चीज़ें कराएंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, इसकी जब सर्विस कराने जाएंगे, अब तुम्हें बताएंगे मोटा मोटा कितना पैसा लगा और क्या कैसा सारी चीज़ें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अब फिर मुलाकात होगी, मज़े करो।